1:11 और 5 सेकंड। मैं हूं आपके साथ अंजू, और कार्यक्रम का नाम है जिसे मैं लेकर आई हूं आपके पास, गीत सुहाने। और इस कार्यक्रम में हम सुनते हैं बहुत ही बेहतरीन गीत गुजरे दौर के और कुछ रोचक बातें। रहिए मेरे साथ इस घंटे, और शुरुआत बहुत ही बेहतरीन गीत के साथ, फिल्म श्री 420 से। रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया। मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, ओ रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया। मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, ओ रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया। नैनों में थी प्यार की रोशनी, तेरी आंखों में ये दुनियादारी न थी, तेरी आंखों में ये दुनियादारी न थी। मैं जो दुख पाऊं तो क्या, आज पछताऊं तो क्या, मैं जो दुख पाऊं तो क्या, आज पछताऊं तो क्या। मैंने दिल दुख को दिया, मैंने दिल दुख को दिया, ओ रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया। मैंने दिल कुछ को दिया, मैंने दिल कुछ को दिया, ओ रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया। उस देश में तेरे परदेश में, सोने चांदी के बदले में बिकते हैं दिल, सोने चांदी के बदले में बिकते हैं दिल। मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, ओ रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया।
वही और मुसाफिर वही, एक तारा न जाने कहाँ छुप गया, एक तारा न जाने कहाँ छुप गया। दुनिया वही, दुनिया वाले वही, कोई क्या जाने किसका जहाँ लुक गया, कोई क्या जाने किसका जहाँ लुक गया। मेरी आँखों में रहे कौन जो मुझसे कहे, मेरी आँखों में रहे कौन जो मुझसे कहे, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया। ओ रमैया बता भैया, रमैया बता भैया, रमैया बता भैया। दोस्तों बात करते हैं फिल्म आज़ाद की। ये फिल्म 1955 में प्रदर्शित हुई थी और ये फिल्म अपनी उस वर्ष की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म थी और उस दशक की भी ये सबसे बड़ी हिंदी फिल्म थी। इसके अलावा दिलीप कुमार ने इस फिल्म में अपने काम के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अपना दूसरा फिल्म फेयर पुरस्कार जीता था और सी रामचंद्र इस फिल्म के निर्देशक थे। उनकी नायिका थी मीना कुमारी। और जानते हैं दर्शकों, श्रोताओं कि ये फिल्म एक ऐसी फिल्म थी जिसमें दोनों ही कलाकार जो अपनी भूमिकाओं के लिए जाने जाते थे कि वो बहुत ही गंभीर भूमिकाएं करते हैं और ये फिल्म उनके उस अभिनय से बिल्कुल अलग थी क्योंकि ये कॉमेडी फिल्म थी। इस फिल्म में उन्होंने दर्शकों को सिर्फ हंसाया, बल्कि बिल्कुल नहीं रुलाया, सिर्फ हंसाया। तो क्यों ना इस फिल्म का एक गीत हम सुने। देखो जी बहार आई, देखो जी बहार आई, बाहों में बहार आई, बाहों में खिली कलियां। आना है तो आ जाओ, सोनी है मेरी गलियां। देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
के तीर खाए। जिनको हो जान प्यारी वो सामने ना आए। जिनको वो जान प्यारी वो सामने ना आए। वो सामने ना आए वो सामने ना आए वो जी वो सामने ना आए। जिनको वो जान प्यारी वो सामने दरिया।
सामने ना आए, जिनको वो जान प्यारी वो सामने जो आपने गीत सुना उसे हमने लिया था फिल्म बारादरी से। ये फिल्म 1955 में प्रदर्शित हुई थी और दोस्तों ये फिल्म अपने गीतों के कारण आज भी उस दौर के दर्शक हों या आज के हम और आप, हमें ये बहुत ही अच्छी लगती है। नैन मटकाते हुए भुला नहीं देना जी, भुला नहीं देना, जमाना खराब है भुला नहीं देना, भला इस गीत को कौन भूल सकता है जिसमें गीता वाली को लोग देखा करते थे। 1955 में अमरनाथ की बैनर तले रिलीज हुई इस फिल्म को संगीत दिया था नाशाद साहब ने उर्फ शौकत दहलवी, जिनका असली नाम था। लोग अक्सर नाशाद को नौशाद साहब समझने की गलती कर बैठते हैं, जबकि दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। नाशाद साहब ने इस फिल्म के अलावा बहुत ही कम बॉलीवुड फिल्मों में संगीत दिया। उसके बाद वो पड़ोसी मुल्क में चले गए और नौशाद साहब यहीं रहे, जिन्होंने मुगल आज़म, मदर इंडिया जैसी बहुत ही बेहतरीन फिल्मों में संगीत दिया। और इस फिल्म के अभिनेता अजीत, जिन्होंने लगभग 200 फिल्मों में काम किया और 80 ऐसी फिल्में थीं जिसमें उन्होंने बाद में एक विलन के रूप में यानी खलनायक के रूप में अपनी छवि बनाई। चलिए आपको सुनाते हैं इसी फिल्म का एक और गीत जिसे हमने आपको बताया था, भुला नहीं देना। जमाना खराब है दवा नहीं देना जी, दवा नहीं देना।
भगवान ही देना, भुला नहीं देना जी, भुला नहीं देना, जमाना खराब है, दवा नहीं देना जी, दवा नहीं देना। मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा। आकाशवाणी के प्रतिष्ठित वार्षिक आयोजन सरदार पटेल स्मृति व्याख्यान 2024 में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वर्ष प्रख्यात वैज्ञानिक और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ अपना वक्तव्य देंगे। विषय है इंडिया स्पेस ओडिसी इन सर्च ऑफ न्यू फ्रंटियर्स। 26 अक्टूबर शाम 4 बजे आकाशवाणी परिसर स्थित रंग भवन सभागार संसद मार्ग में आप सादर आमंत्रित हैं। चांद सी धरती पर सोने का जंगला हो,
सा बंगला हो, चांद सी धरती पर सोने का जंगला हो, खेल हो जीवन के यहाँ, मेल हो जीवन के, खेल हो जीवन के यहाँ, मेल हो जीवन के, और मेल हो जीवन के, गया बचपन तो आंसू भरी आई जवानी, सुनो छोटी सी गुड़िया की लंबी कहानी, सुनो छोटी सी गुड़िया की कहानी। दोस्तों बात करते हैं 1955 में आई फिल्म देवदास की। दोस्तों चंद्रमुखी की भूमिका के लिए नरगिस पहली पसंद थी विमल राय की, लेकिन वो पारो की भूमिका निभाना चाहती थी जिसके लिए सुचित्रा सेन को पहले ही साइन कर लिया गया था, और पारो की भूमिका के लिए मीना कुमारी भी एक चॉइस थी, लेकिन उनकी तरफ से एक शर्त रखी गई जो विमल रॉय को मंजूर नहीं थी, इसलिए उन्होंने भी ये फिल्म छोड़ दी। हालांकि चंद्रमुखी के किरदार के लिए बीना राय और सुरैया से भी संपर्क किया गया था, लेकिन सभी पारो का किरदार निभाना चाहते थे, लेकिन उसके बाद सभी जानते हैं कि वैजयंतीमाला ने इस किरदार को बहुत ही बखूबी निभाया। तो चलिए आपको सुनाते हैं SD बर्मन के संगीत निर्देशन में लता मंगेशकर का गाया हुआ इसी फिल्म का यानी देवदास फिल्म का एक गीत। Thank you.
आने वाले रुक जा कोई दम, रास्ता घेरे हैं बाहर लाखों हम। ओ आने वाले आने वाले, सुनाते हैं 1955 में ही आई एक फिल्म गरम कोट से एक गीत, जिसका निर्देशन अमर कुमार ने किया था और जाने माने लेखक राजेंद्र सिंह बेदी ने इसकी पटकथा लिखी थी, जो निकोलो लाइक गोगोल की लघु कहानी द ओवरकोट पर जो 1842 में लिखा गया था उसका रूपांतरण थी ये फिल्म। इस फिल्म के लिए दोस्तों, इस फिल्म के लिए राजेंद्र सिंह बेदी को सर्वश्रेष्ठ कहानी के लिए 1956 में फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला था। इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे निरुपम रॉय और बलराज साहनी, जयंत ब्रह्म भारद्वाज, रशीद खान, विजय लक्ष्मी और बेबी चांद। पंडित अमरनाथ ने इसमें संगीत दिया था और मजरूह सुल्तानपुरी ने इस फिल्म में गीत लिखे थे। Oh,
मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात।
अभी जो आपने गीत सुना उसे हमने लिया था फिल्म हाउस नंबर 44 से। ये फिल्म 1955 में आई थी और इसका निर्देशन एम के वर्मन ने किया था। इसका निर्माण देवानंद ने अपने बैनर नवकेतन फिल्म्स के तहत किया था। फिल्म में देवानंद और कल्पना कार्तिक ने मुख्य भूमिका निभाई। इस फिल्म के गीत साहिद लुधियानवी ने लिखे और संगीत एस डी वर्मन ने दिया था। फिल्म में हेमंत कुमार ने गाए गीत जैसे तेरी दुनिया में जीने से और चुप है धरती चुप है चांद सितारे जैसे गाने फिल्म के लोकप्रिय गानों में से एक है। फिल्म की कहानी एक चोर के इर्द गिर्द घूमती है और इसके अलावा इस फिल्म में देवानंद ने मुख्य किरदार यानी अशोक का किरदार निभाया और इस फिल्म में खलनायक की भूमिका निभाई केएन सिंह ने। अब आपको हम सुनवाते हैं फिल्म मिस्टर एंड मिसेस 55 से एक गीत। समाचार 2:10 पर आपके साथ फिर से रहेंगे कार्यक्रम गीत माफ कीजिए हम तुम साथ साथ लेकर। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल
100.1 MHz।